चलो बच्चों, आज के इस सेशन में ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है। यदि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 cos sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक आपका है कि 4 tan थीटा सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो यहाँ से हम 10 थीटा इक्वल टू 5/4 लिख सकते हैं, आ जाएगा। चूँकि 4 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इसमें है क्या, यहाँ से आप दो कंडीशन में जा सकते हैं। एक कंडीशन जो आपको एकदम छोटा रूप से है, उसको पहले हम बताते हैं। क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अब बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ऐसा है क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ से हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक है कि PYH या BYH वाला जो फार्मूला होता है, यानी cos थीटा BYH, sin थीटा PYH, उसका वैल्यू रख करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमको टाइम लगेगा। उससे बेटर है, चूँकि 10 के फॉर्म में हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को 10 के रूप में ही ला देना है। तो 10 के रूप में लाने के लिए हम सभी टर्म में, यानी यहाँ पर इसको भी cos से भाग दे दे, इसको भी cos से भाग दे दे, इसको भी cos से, इसको भी cos से, तो देखिए 5 cos थीटा अब बाई cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा बटा cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाई cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच गया ऊपर में 5, और sin बाई cos जानते हैं क्या होता है, 10, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा अब बाई 1 प्लस 2 tan थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 थीटा का मान 5/4, तो क्या हो जाएगा 3 × 5/4 / 1 + 2 × 10 थीटा का मान 5/4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ऊपर में अगर करेंगे तो 5 − 5 = 15/4 / 1 + 5/2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 5 × 4 = 20, 20 में से 15 गया तो 5/4, और ये हो जाएगा 7/2। अब इसका सरल करेंगे तो 5/4 यानी 2/7, 2 × 2 = 4 यानी 5/7, 2 × 14, 5/14 आंसर हो जाएगा। तो ये